काय की तकलीफ, फिर सर्दी भी तो बहुत है। ये घर है घर, कोई होटल नहीं। अरे उधर क्या देख रही, सुना नहीं? बंद कर दे, बंद कर दे। जी, मेरे ख्याल से बारिश बंद हो गई है, वैसे भी मुझे चाय का शौक नहीं है, मैं चलता हूँ। देखिए आप मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानिए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थक गया था, आंख लग गई। नहीं, रात दिन काम काम काम। तुमने तो फैक्ट्री को मेरी सौत बना दिया है। ऐसा मत कहो कमला, ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये क्या? कुछ नहीं, आज भाई साहब आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखे हैं। तुम इन सब चीजों में विश्वास रखती हो? तो क्या करूं, 3 साल हो गए शादी हुए, लोग क्या सोचते होंगे। जिस औरत की गोद सुनी हो उसका कितना अपमान होता है। कमला, बच्चे भगवान की देन है, हम क्या कर सकते हैं। 2 दिन के बाद लेबर पेमेंट है और 3-4 बिल्स पेंडिंग है, मैंने उनको समझा दिया है। उसके लिए मैंने 1,00,000 रुपए का चेक साइन किया है, आप इसे कैश करवा लीजिएगा। जी। और 2 ब्लैंक चेक भी मैंने साइन किए हैं। ब्लैंक चेक? मिस्टर मुखर्जी, I have gone through your papers. आपका एस्टिमेट हमको सूट करता है और रेट भी अच्छा है। बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट देने का इंचार्ज कोई और है, मिस्टर खोसला। हमने आपके बारे में उनको रिकमेंड किया है, आप उनको जानते हैं? Well, unfortunately मिलने का मौका नहीं मिला। You see, Mr. Mukherjee, there are 2 other parties also who have applied for the same contract. Well, अगर आप कहते हैं तो मिल लेता हूँ। Anyway, thank you, Mr. Mukherjee. Thank you, Mr. Mukherjee. There's a party tonight. I have been invited. We will now be presenting to you our most famous cabaret dancer, Miss Lena. Like me. कुछ भी नहीं पी, फिर भी न जाने क्यों नशा हो गया। मुझे घर तक छोड़ दोगे? सुनना चाहते हो रामा कैसे रोजी बनी? तो सुनो, सच सच बता, रोजी पर कहाँ छिपा है? जो कुछ भी मेरे पास था वो तो मैंने तुमको पहले ही दे दिया। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, सीधी तरह से वो जेवर मेरे हवाले कर दे, वरना मार मार के हड्डी पसली कर डालूंगा। मार के सिवाय तुमने मुझे दिया भी क्या है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? उसके बाद में वहां से भागी, भूख और प्यास से पागल सी भटकती रही, और एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो अस्पताल में थी। रमा उस दिन एक बच्चे की मां बन चुकी। फिर एक दिन मैं रमा से रोजी बन गई। उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं रही। और रुपयों के लिए आज शाम की फ्लाइट से कलकत्ता चला जाता। ऐसी भी क्या जल्दी है, तार भेजकर ऑफिस से ड्राफ्ट मंगवा लो, तब तक तुम्हें ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। और फिर तुम्हें मेरे साथ शिमला जाना है ना? शिमला?
अचानक शिमला क्यों? क्यों? शिमला जाना मना है क्या? मना तो नहीं है, लेकिन इस वक्त यहाँ से तो चले। चलो वहां बर्फ तो नहीं गिरी होगी ना? इंद्रजीत, अरे अशोक बाबू, एक्सक्यूज मी, जस्ट मिनट। नमस्ते अशोक बाबू। तुम यहाँ दिल्ली कब आए? जी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आया था, 5-6 दिन हो गए। घर में सब खैरियत से है ना? जी हाँ भाई, जब से मेरा यहाँ तबादला हुआ तुम लोगों ने तो चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। इंद्रजीत ये मेरा कार्ड, फुर्सत मिले तो फोन करके आ जाना। जरूर कोशिश करूंगा। ये जो तुम्हारे साथ हैं, इन्हें कहीं देखा है मैंने पहले? जी जरूर देखा होगा, यहीं के रहने वाली है। एक चिट्ठी आई है, इंद्र बाबू की नहीं बल्कि उनके बारे में शोक बाबू की। मामा जी की चिट्ठी? क्या लिखा है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना, कब आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है, लेकिन अशोक बाबू ने जो कुछ उनके बारे में लिखा है उससे ये पता नहीं चलता कि वो कब आ रहे हैं। भैया पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। देखो कमला, तुम लोग सब मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझे तो तुम्हारे सामने ये चिट्ठी चिट्ठी पढ़ते भी शर्म आती है। कविता तुम्हें पढ़ के सुना दो। हे भगवान, मामा जी ने लिखा है, एक सौदागरी दफ्तर के सामने अचानक इंदर बाबू से भेंट हो गई, लेकिन लिखते हुए शर्म आती है कि वो खुलेआम एक मशहूर बाजारू औरत के साथ घूम रहे थे। छी छी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कमला कमला घबराओ नहीं, हमारे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, धीरे से काम लो कमला, धीरे से काम लो। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? तबीयत खराब है क्या? मत छू मुझे। क्यों? मुझे कुछ हो गया या तुम्हें? क्या मतलब? लो पढ़ो अपनी करतूत। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर सकते हो, मैंने तुम्हें देवता माना था, लेकिन तुम सुनो, अगर तुम दूसरों की बातों पर यकीन कर सकती हो तो तुम्हें मेरी बात भी सुनोगी। कोई जरूरत नहीं, आज मुझे मालूम पड़ा कि हमारी संतान क्यों नहीं होती है। जिस औरत का पति किसी बेशा के साथ रंगरलिया मनाता रहे, ना उसकी कभी गोद भर सकती है और ना ही उसे कभी शांति मिल सकती है। कमला इंद्रजीत भाई साहब का अभी देखकर आता हूं। ठहरो तो, देखो ना क्या लिखा है। Everything arranged. Come immediately. आप हम सबसे बड़े हैं, इसीलिए हमने आपको बुलवाया है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मामला वाकई बहुत ही गंभीर है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आदमी इतना गिर सकता है। छी छी छी। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? कमला टेलीग्राम में साफ लिखा है, Everything arranged. Come immediately. हाँ। इसका मतलब समझती हो? Everything arranged. शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, कम इमीडिएटली फौरन चले आओ। देखो मैं आज ही दिल्ली जाऊंगी, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि सच क्या है। देखा देखा, बैंक से पैसा निकलवा रहा है, अब पता चला और फिर का सारा पैसा क्यों स्टेट बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, कमा तुमने मेरी इज्जत बचा ली, किस तरह मैं तुम्हारा शुक्रिया। बस बस इतने प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, अब भी कोई शक की गुंजाइश है? हमेशा के लिए जा रही हूँ, अपने नए परिवार के साथ सुख से रहना। आप ही का नाम इंद्रजीत मुखर्जी है?
जी हाँ। आपके नाम समन है? समन? जी हाँ। यहाँ दस्तखत कीजिए। थैंक यू। चलो। ये कोर्ट कचहरी क्या मामला है बड़े भैया? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आप बता सकते हैं आपके भाई से आपके पास खर्च करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता था? वो ऑफिस से रुपया मंगाते थे। उस दिन हमने अपनी आंखों से भाई साहब को रोजी के साथ बैंक से रुपया निकालते हुए देखा था। और सच तो यह है योर ऑनर, हमने कानून का दरवाजा इसलिए खटखटाया है कि भाई साहब सारा रुपया यूं ही न उड़ा दें और हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएं। दैट इज ऑल योर ऑनर। कालकल स्कैंडल शेक्स मुखर्जी फैमिली। मिस्टर इंद्रजीत मुखर्जी अ कलकत्ता बिजनेस मैग्नेट इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप विद रोजी अ दिल्ली कालकल। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों आंटी? कुछ नहीं मीनू, कुछ नहीं। दूसरा गवाह पेश किया जाए। मिस रोजी हाजिर हो। जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप इंद्रजीत मुखर्जी को कैसे जानती हैं? कैसे का क्या मतलब? जानती हूँ, इतना ही काफी नहीं है। क्या आपने उन्हें कभी रुपया दिया था? जी हाँ, दिया था। कब दिया था? एक तो तब जब मैं रमा सेन थी, करीब 25,000 के जेवर दिए थे जिन्हें बेचकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी। फिर? और फिर कुछ महीने पहले जब इनकी फैक्ट्री में किसी ने 3 लाख रुपए का गबन किया था, उस वक्त मैंने फैक्ट्री को बचाने के लिए 3 लाख रुपया जबरदस्ती इन्हें दिए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है। ये है बैंक का स्टेटमेंट जहां से मैंने रुपया निकाला था। योर ऑनर, दिस स्टेटमेंट प्रूफ हर पॉइंट। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। देखो अब मुझसे कभी झगड़ा मत करना। अरे हाँ, वो कहाँ गई? वही तुम्हारी रमा। तुम क्या चाहते हो? वो हमारे लिए सब कुछ त्याग करके महान बन जाए और मैं सबकी नजरों में गिरी रहूं? चलोगी रमा? हाँ, मुझे अभी ले चलो उसके पास। हेलो। अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। सुनो, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मुझसे? जानती हूँ मैं किससे बात कर रही थी? तुम्हारे पापा से। पापा से? मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों मैं तुमसे बात नहीं करती? रुठो नहीं बेटी, वो यहीं आ रहे हैं तुमसे मिलने। सच? पापा मुझसे मिलने आ रहे हैं? हाँ बेटी, वो तुमसे मिलने आ रहे हैं। मीनू। पापा। देखो बेटा मैं किसे लाया हूँ, बता सकती हो ये कौन है? तुम माँ से मिलना चाहती थी ना? ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सचमुच तुम मेरी माँ हो? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं बेटे, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। इंद्र, मैं तुम्हारे जीवन में समस्या बनकर रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, शायद मेरे जीवन की मंजिल का रास्ता खत्म हो चुका है। मेरे लिए जो कुछ भी है मीनू है, उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे सिवा उसका ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं ये जिम्मेदारी सौंप सकूं। लेकिन अगर कमला बहन उसे अपनाना ना चाहे
तो उसे किसी अनाथ आश्रम में भेज देना। और सुनो, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अगर हो सके तो होटल का बिल चुका देना। रमा कहाँ है?